हसन बाजार में एक प्रखंड का आप दर्जा दे दीजिए, उसके बाद हसन बाजार के तमाम जनता आपके साथ आजीवन रहेगी और उपचुनाव है, उपचुनाव में आपको दिखाने का काम करें। और हमारे ये बहुत पुराना बाजार है, इसका अब नाम मिट रहा है, इसको बचाने का कार्य ब्लॉक बनाने से होगा। 2001 से हमारे गार्जियन अभिभावक जितने भी लोग थे इस क्षेत्र के, हसन बाजार तमाम क्षेत्र के, वो मांग करते आ रहे हैं कि हसन बाजार को प्रखंड बनाया जाए, बस ब्लॉक बन जाए कैसे भी, यही सबसे बड़ी मांग होगी हमारी, और कुछ नहीं चाहिए सीएम से। साधो या इससे पूर्व विधायक, जो भी विधायक हैं थे, ना प्रखंड के बारे में, क्या हसन बाजार के बारे में कभी सोचा नहीं, ना विधानसभा में आवाज उठाया और ना ही कहीं चर्चा कर। हम लोग 2006 में होमगार्ड का फॉर्म भरे थे और 18 इयर्स बाद ये उसका रिजल्ट आया है कि आप लोगों को 2.5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। अब बताइए, जिसका एज 20 हो रहा है उसका एज हो गया 40। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त हम हसन बाजार में हैं। हसन बाजार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन होने जा रहा है। वैसे हसन बाजार के ग्रामीण लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। देखिए, छात्र नेता सीपी राय जी हैं, इनसे हम बात करते हैं, क्या मांग होगा नीतीश कुमार जी जब हसन बाजार में जब आएंगे। सीपी जी, सबसे पहले प्रसमित लाइव को बहुत बहुत बधाई, और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, इतिहास में पहली बार जब से मुख्यमंत्री बने हैं 20 वर्षों में पहला बार उनका आगमन होने जा रहा है 5 तारीख को, और हम लोग वर्षों से 2001 से हमारे गार्जियन अभिभावक जितने भी लोग थे इस क्षेत्र के, हसन बाजार तमाम क्षेत्र के, वो मांग करते आ रहे हैं कि हसन बाजार को प्रखंड बनाया जाए, जिसमें हम लोगों ने हसन बाजार संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाए, और 2016 में हम लोगों ने धरना दिया था, जिसमें धरना में माननीय वहाँ के हमारे यहाँ के विधायक सुदामा प्रसाद जी आकर धरना तोड़वाने का काम किए, और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि हसन बाजार के बारे में, प्रखंड बनाने के बारे में हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। आज तक सुदामा प्रसाद हो या इससे पूर्व विधायक, जो भी विधायक हैं थे, ना प्रखंड के बारे में, क्या हसन बाजार के बारे में कभी सोचा नहीं, ना विधानसभा में आवाज़ उठाया और ना ही कहीं चर्चा करते हैं। और आने वाले समय 5 तारीख को हम लोग नीतीश कुमार को कल से हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। 7 पंचायत 6 पंचायत में संकटडीह, भकुरा, जठवार, सेदहा, कातर, अमई, नारायणपुर, सुखरौली और नोनार, यहाँ के तमाम जनता हम लोग के साथ है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि साथ है, और 5 तारीख को नीतीश कुमार जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और कहेंगे कि आपसे हसन बाजार की जनता ने आज तक ना पुल मांगा, ना रोड मांगा, ना सड़क मांगा, आपसे एक बार सिर्फ हसन बाजार में एक प्रखंड का आप दर्जा दे दीजिए, उसके बाद हसन बाजार के तमाम जनता आपके साथ आजीवन रहेगी और उपचुनाव है, उपचुनाव में आपको दिखाने का काम करेगा। जब तक हसन बाजार को प्रखंड का दर्जा नहीं मिलेगा तो यहाँ से नीतीश कुमार को शून्य कर देंगे, अगर मिलता है तो उनके साथ जीवन भर रहेंगे हम लोग। अच्छा, ये बन जाता है प्रखंड तो क्या क्या विकास लग रहा है कि हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि हसन बाजार में जो होना चाहिए था, टेलीफोन एक्सचेंज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उप डाकघर, बैंक, इंटर कॉलेज, थाना, तमाम सारी सरकारी सेवाओं जो होती है वो हसन बाजार में ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है। आपको मालूम होना चाहिए शाहबाद के सबसे पुराने बाजारों में हसन बाजार का नाम अव्वल और प्रथम स्थान पर आता है, और हसन बाजार एक हमारे शाहबाद का एक ऐसा गौरवमानित जगह है जहाँ पे यहाँ से लोग का रोजगार होता था, 8-9 राइस मिल चलती थी। नीतीश कुमार ने सब राइस मिल बंद कराने का काम किया और हसन बाजार का यह स्थिति हो गया कि बाहरी आवागमन ठप हो चुका है। और यहाँ की जनता से आप पता कर लें, हमारे साथ अभिभावक हैं, पूर्व उप मुखिया नारायणपुर पंचायत के अमई के राम बिहारी सिंह जी, इनसे आप बात करके पता कीजिए कि हसन बाजार का अगर प्रखंड बन जाता है तो कितना विकास होगा। अच्छा, प्रखंड बनता है हसन बाजार तो क्या दिक्कत नहीं होगी आपको? बहुत तरह का विकास है यहाँ, एक तो बेरोजगारी का बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि इससे हल होगा, और हमारे ये बहुत पुराना बाजार है, इसका अब नाम मिट रहा है, इसको बचाने का कार्य ब्लॉक बनाने से होगा, अनेकों तरह का विकास है। क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी आएंगे तो? हाँ, मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध करेंगे कि हम लोगों को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, एकदम निहायत जरूरी है,
ऐसे हर तरह के प्रभाव पड़ेगा जिसे आपके चुनाव में भी बहुत मदद मिलेगा। क्या देखिए युवा हैं, युवा सभी जान, मुख्यमंत्री जी आएंगे आप हसन बाजार में, क्या मांगे होंगे आपकी? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था कि यहाँ का जो मेरे बड़े बुजुर्ग अंकल है, इन्होंने अच्छा यहाँ से हर कोई को फायदा है, हर कोई का। हम लोग 20 ईयर से वेट कर रहे हैं कि अब माननीय CM साहब हम लोग के लिए कुछ करेंगे, हम लोग के लिए कुछ करेंगे। हम लोग तो उनको इतना कर दिए कि मैं, हम लोग के पास शब्द ही नहीं है। मेन मैटर आइए, हम लोग 2006 में होम गार्ड का फॉर्म भरे थे और 18 इयर्स बाद ये उसका रिजल्ट आया है कि आप लोग को 2.5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। अब बताइए जिसका एज 20 हो रहा है, उसका एज हो गया 40, वो कैसे 2.5 मिनट में इतना 800 मीटर? चलिए वो तो हम लोग का मान सम्मान, हम लोग को किसी का मान सम्मान करना है। CM साहब ऐसे आएंगे तो हम लोग तो धरना करेंगे भाई, एकजुट होकर करेंगे। हम लोग के जो डिमांड है वो पूरे करें, और लाइब्रेरियन स्टूडेंट का है सबका। हम लोग को भैया सिर्फ रोजगार चाहिए और आपसे कुछ नहीं, आप अपना सट्टा चलाइए। युवा ब्लड को, युवा जनरेशन के लिए सिर्फ रोजी रोटी चाहिए। और काफ़ी युवा जो हैं एग्रेसिव हैं और तैयार हैं हसन बाजार को ब्लॉक बनाने के लिए, काफ़ी रणनीति बना चुके हैं, पूरा तैयार हैं आप लोग हसन बाजार को ब्लॉक बनाने के? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तैयार हैं हम लोग। बस ब्लॉक बन जाए कैसे भी, यही सबसे बड़ी मांग होगी हमारी, और कुछ नहीं चाहिए CM से। चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं सभी लोगों का मांग जो है बढ़ती ही जा रही है, हसन बाजार को ब्लॉक बनाना है। और जितने भी हैं अभी CP जी थे जो कि हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, हालांकि मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे भी, कि सभी लोग तैयार हैं हसन बाजार को ब्लॉक बनाया जाए। देखना है किस तरह से मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हैं और हसन बाजार को ब्लॉक बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से आप लोग देखते रहे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।